मुझे एक गाना पिक्चराइज करना था शिप में, तो मैं सिंगापुर गया, वहाँ पे एक शिप बुक कर ली मैंने। बुक करने के बाद मैं जब होटल पहुँचा तो होटल के लॉबी में कुछ पोस्ट कार्ड्स पड़े थे जिसमें फोटोग्राफ्स थे, तो उसमें एक मैंने शिप की तस्वीर देखी, तो पता चला उस वक्त ये शिप एथेंस में थी, ग्रीस में। तो मैं प्लेन पकड़ के वहाँ चला गया, जाके शिप देखा। इट्स सच अ ब्यूटीफुल शिप। एक ही शिप है पूरे दुनिया में जो अभी भी सेल करती है अपने सेल्स पे। इट इज़ कॉल्ड बिग सेल्स एंड इट सेल्स। सो आई वेंट एंड आस्क्ड देम कि भाई मैं शूटिंग करना चाहता हूँ, तो बोला आप आ जाइए यहाँ शूटिंग कर लीजिए। मैंने यहाँ तो नहीं करना है, मैंने शूटिंग करना है थाईलैंड में, वहाँ मैं लोकेशन देख के आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको इतना कॉस्ट पड़ेगा, तो मैंने बोला मैं देने को मंजूर हूँ। तो वो शिप फिर बॉम्बे आई। बॉम्बे में हमने अपना जनरेटर लोड किया, हम लोग कुछ 150 लोग चढ़े हैं पैर शिप में, और यहाँ से फिर शूटिंग करते करते थाईलैंड पहुँचे, फुकेट पहुँचे। इट टुक अस अबाउट 12 डेज। आइलैंड पे मैंने मुझे कुछ हेलीकॉप्टर शॉट्स लेने थे, तो शिप मेरे कहने से रुकने वाला नहीं था। तो किसी आइलैंड पे मैंने हेलीकॉप्टर को बुलवाया था, तो मोटर बोट में उतर के मैं आइलैंड पे गया, हेलीकॉप्टर का कैमरा लगाया एंड वी टुक द एरियल शॉट्स ऑफ द शिप। और शिप तो सेल करती थी, जा रही थी, तो मैं आइलैंड पे उतरा, फिर मोटर बोट में बैठा शिप को पकड़ने के लिए। शिप गुम हो गई, तो मिड सी में मैं शिप को कहाँ ढूंढूँ। इट टुक मी 7 आवर्स टू फाइंड लोकेट द शिप। 7 घंटे के बाद जाके मैं शिप, और मैं हम लोग भी गुम हो गए कि चारों तरफ पानी ही पानी, किस किस का किस दिशा में जाए पता नहीं चल रहा था। बहरहाल बट वो शिप मिल गई और फिर